हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके बच्चे ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और सच में आज के दिन के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि घर में आशीष के लिए प्रार्थना। हालेलुया, बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में आशीष नहीं टिकती, उनके घरों में पैसा नहीं टिकता, उनके घर में लड़ाई झगड़ा है, उनके घर में प्रॉब्लम्स हैं, उनके घर में समस्याएं हैं, उनके घर में विपत्तियां हैं। काफ़ी प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ इस समय लोगों के घरों में, कोई राजवीर नाम है, देख रहा हूँ एक राजीव नाम से, घर में काफ़ी प्रॉब्लम, भाई भाई का विरोधी हो रखा है, घर वाले ने केस कर रखे हैं, भाभीियाँ ने केस कर रखे हैं, और काफ़ी प्रॉब्लम जो आजकल हम देख रहे हैं लोगों के जीवनों में वो हो रही है। सो आज की प्रार्थना इसलिए है कि घर के लिए आशीष के लिए प्रार्थना। हालेलुया, तो लोगों के घरों में आशीष नहीं टिकती है। और आज का हमारा टॉपिक यही है कि घर में आशीष के लिए प्रार्थना। हालेलुया, सोमवार सर प्रार्थना करेंगे हर एक काम के लिए। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके घरों के हालातों को बदलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन बदलेगा, आपके हालात बदलेंगे, क्योंकि राज्यों का राज्य प्रभु का प्रभु सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर का जलाल उसके सामर्थ्य हमारे बीच में है। आमीन। और सच में वचन कहता है कि धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान। हालेलुया, वचन कहता है कि धन्य हो तेरी संतान। और अगर आपके बच्चे नशे में हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, और अगर आपका पति नशे से और घर में लड़ाई झगड़ा करता है, सबसे पहले मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और आप भी अपने बच्चे का नाम लेकर मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता, अगर उनके घरों में जो भी लड़ाई झगड़े के बंधन हैं, जो उनका पति या इनका जीजा या इनका बेटा दाव रुपये घर में लड़ाई दंगे करता है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से उसका जीवन बदले। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु सारे नशे के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी अपने दयाबल हाथ को बढ़ाओ। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका नाम महान है, आप राज्यों का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी सारे नशे के बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। राज्यों का राजा प्रभु के प्रभु प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे नशे के बंधन दूर होने पाए। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और आपके सामर्थ्य नाम से इनके घरों की हालत बदले मेरे पिता। और अगर आपके जो आपके हस्बैंड हैं जो उनकी वजह से अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आइए हम आपके पति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी अपने पति के लिए उसका नाम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं कि परमेश्वर वो सही तरह से चले और वो परिवार की अहमियत को समझ सके कि परमेश्वर के परिवार की अहमियत क्या होती है, और वो समझ सके कि परिवार क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह उसका जीवन में अद्भुत कार्य करें। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो जो बहनें प्रार्थना कर रही है अपने पति के लिए, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप इनके प्रार्थना निवेदन जानते हो मेरे पिता, आप इनका दुख को जानते हो, आप इनकी पीड़ा को जानते हो, आप इनकी हर एक प्रार्थना निवेदन को जानते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु अपने दया वाले हाथ को बढ़ाओ। और इनके पति अगर किसी बाहर रहते हैं और घर से बाहर रहते हैं, जो घरों में नहीं आते मेरे पिता, उनका जीवन बदले। और जो अगर इनके पति घर में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करके रखते हैं मेरे पिता, और इनका जीवन बदले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसका जीवन बदले, उसकी सोच बदले, उसकी मन बदले, और वो परिवार की अहमियत को समझ सके, अपने बच्चों का ध्यान रखे, अपनी पत्नी का ध्यान रखे, और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहने पाए। जो भी शैतान के बंधन हैं उन बंधन का टूटने पाए, क्योंकि आप मनों को बदलने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सब कुछ करने वाले हैं मेरे पिता। इनके पति का मन बदले और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीष मांगते हैं, आमीन। और अगर किसी की पत्नियां या मायके गई हुई हैं और अपने घर में लड़ाई झगड़ा रखती हैं, और अगर घर में काफ़ी विरोध करती हैं, वो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी पति हैं वो प्रार्थना कर सकते हैं अपनी पत्नी का नाम लेकर कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी पत्नी वापस लौट आए, हमारी बहू घर लौट आए। और अगर आपकी बहू ने कोई भी आपके ऊपर केस किया है, वो केस खारिज हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, रद्द होने पाए, क्योंकि राज्यों का राजा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर कोई भी झूठे आरोप आपके ऊपर लगे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उन केसों से आज़ाद होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके घर में प्यार आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके घर में हर एक प्रॉब्लम्स दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से
आपका परिवार मिलजुल कर रहने पाए, आपका परिवार एकजुट होने पाए और ये अपने परिवार की अहमियत को समझ सके और अपने बच्चों के साथ, अपने सासु ससुर के साथ, अपने पति के साथ मिलजुल कर रहने पाए और हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं, जिनके मनों को बदलता है, सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। और जिनके घर में आशीष नहीं टिकती है उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर इनके घरों में आशीष नहीं टिकती है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और मेरे पिता ये जो भी करते हैं वो हो नहीं पाता, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी वो सारे रुकावटें दूर होने पाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आशीष भरने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु अपने दया वाले हाथ को बढ़ाओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीष मांगते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से मैं इनके जीवनों में से हर एक बंधन तोड़ता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सारे रुकावटें दूर होने पाए मेरे पिता और आशीष को पाने पाए, इनका घर में आशीष आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर आपके परिवारियों को नहीं बनती तो मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप एक दूसरे का नाम ले सकते हैं और अपने परिवार का नाम ले सकते हैं। मैं प्रार्थना करने वाला हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु अगर आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु अगर इनकी परिवार की नहीं निभती है, अगर इनके परिवार के साथ मेलजोल नहीं है और ये एक दूसरे से अनबन एक दूसरे को काटने की ओर दौड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनका मन बदलने पाए मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी आज से मेरे पिता इनके परिवारों में एकता आए मेरे पिता, इनके परिवारों में प्यार आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवारों से हर एक बंधन दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। महान है आप, राज्यों का राज्य हैं आप, प्रभु के प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारे बंधन मैं तोड़ता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, रब सल्लख रब नम्बा, राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से आपके नाम से आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। अब महान है मेरे पिता, अब दया करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, और मेरे पिता इनके जीवन बदलने पाए मेरे पिता, इनके परिवारों में प्यार बढ़े मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी शैतान के बंधन जो भी रुकावटें इनके घरों में आती हैं मेरे पिता परमेश्वर वो सारे दूर होने पाए। और अगर आपके परिवार में बीमारियां हैं, अगर आपके परिवार में बीमारियां हैं मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारी बीमारियाँ ये सारी पत्थरियाँ प्रभु यीशु मसीह के बाहर निकले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर निकले, ये सारा दर्द ये सारा बीमारियाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर निकले। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु अपने दयावल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर की बीमारी दूर होने पाए और इनके घरों में आशीष आने पाए मेरे पिता, घर में आशीष आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु और ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके घरों में आशीष आने पाए, इनके घरों में आशीष आने पाए मेरे पिता। रब्बा सल्लख रब्बना रिबीसी लिखी रब्बनामा, और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु रिबीसी लिखी रिबीनामा रब्बा सल्लख रब्बनामा, इनके घरों में आशीष आने पाए। दया करो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके घर में आशीष आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करो मेरे पिता, दया करो दया करो दया करो रब्बा सल्लख रब्बनामा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सेनाओं के यहोवा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है कि आपकी भेड़ बकरियां जो भी पशु हैं वो भी धन्य होंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका परिवार धन्य होने पाए मेरे पिता, इनका बिजनेस धन्य होने पाए मेरे पिता, इनके हर एक बंधन से आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। आप राज्यों का राजा प्रभु हैं, प्रभु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके घरों में आशीष आने पाए मेरे पिता, सारी लड़ाई झगड़े दूर होने पाए, परिवार मिलजुल कर रहे, सारे केसों से आजाद हों, इनका मन प्रार्थना में लगे, इन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरे, इनके घरों में शांति आए, इनका मनों में शांति आए, इनका जो रुके बिजनेस दौड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से दौड़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दौड़े, और जब इस प्रार्थना को सुने मेरे पिता इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, इन्हें एक शांति मिले इनके जीवनों से, इनका परिवारों से। हर एक बंधन तोड़ता हूँ, हर तरह के जाटों का बंधन तोड़ता हूँ, जो हर तरह की बीमारियां इनके घरों में है सारी बीमारी को मैं तोड़ता हूँ, हर तरह की के बंधन दूर होने पाए, हर तरह जाटों का बंधन दूर होने पाए, हर तरह शैतान का बंधन दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, और ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से ब्लेस होने पाए, आपके नाम से ये ब्लेस होने पाए मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, और इनका घरों में आशीष होने पाए मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, क्योंकि राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर महान है, वह राज्यों का राजा है। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपका परिवार ब्लेस रहे, प्रभु यीशु मसीह के दिया आपको हमेशा बनी रहे, आमीन।
Thank you.